हमेशा जो होली का एक हिंदुओं का मंगल पर्व है, एक शुभकामनाओं का पर्व है, एक रंग रंगों का पर्व है और सभी के लिए एक मंगलमय और कल्याणमय पर्व है। ये होलिका जो होती है वो होलिका पूनम के दिन उसका दहन होता है और पड़वा के दिन छारंडी खेली जाती है। तो इस दिन जो 6 तारीख को सोमवार को 4:57 के बाद चौदस प्रारंभ हो जाएगी। उस चौदस प्रारंभ होने के बाद शाम को प्रदोष काल लग जाएगा। प्रदोष काल में 6:38 से लेके और रात को 9:06 तक होलिका दहन करना शुभ है। इस दिन सोमवार को ही राजस्थान में मानी जाएगी। जहाँ सूर्यास्त का थोड़ा समय का प्रभाव है, सूर्यास्त लेट का समय है, वहाँ कुछ देशों में अलग अलग कुछ राज्यों में होलिका दहन मंगलवार को होगा। वो कोई 100 में से 5% है, बाकी 95% 6 तारीख को होलिका दहन होगा। विशेष इसमें प्रदोष काल में भगवान होलिका का पूजन किया जाता है। वो शाम को 6:38 से लेकर रात को 9:06 तक का होलिका दहन का विशेष पर्व है। इस समय होलिका दहन करनी है, इसी प्रदोष काल में होलिका का पूजन करना है। इस दिन जो होलिका के दिन भद्रा लग रही है, वह भद्रा भगवान के मुख में, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, और वो मघा नक्षत्र में है इसलिए उस कारण का प्रभाव नहीं पड़ रहा, भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए होलिका दहन 6 तारीख को करना है और 7 तारीख को छारंडी के मंगल पर्व को मनाना है, जो रंगों का उत्सव है उसको मनाना है। इस होलिका में जिसको कोई भी कष्ट पीड़ा होती है वो होलिका माता में अपनी कष्ट पीड़ाओं को देता है। विभिन्न राशियों द्वारा विभिन्न तरह के उपाय होते हैं, उनको करने से जो भी संकट पीड़ा होती है, व्यापार की, गृह की, लक्ष्मी की, कोर्ट कचहरी की, मुकदमे की, विजय कार्य की, उस समय उस कार्य को होलिका में उन कार्य को करने से, उनका पूजन करने से वह सब विघ्न दूर होती है और होलिका माता उस कार्य को सिद्ध कर कर आपके मंगल कार्य को पूर्ण करती है। इसमें क्या होता है, विशेष राशियों का प्रभाव होता है। जैसे मेष राशि वालों को उस दिन होलिका माता के दिन उसमें होलिका में गुड़ गेहूँ उनका भोग लगाना चाहिए, इससे उसके जो भी संकट होंगे वे निवारण हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले वे पताशे का, शक्कर का, घी के बूरे का और उसका भोग लगाने से उसके संकट दूर हो जाते हैं। और मिथुन राशि वाले हैं वे उस समय होलिका में साबुत मूंग हुए, मूंग की दाल की बर्फी हुई, उसका दान करने से वो संकट उनके दूर हो जाते हैं, होलिका माता प्रसन्न हो जाती है। कर्क राशि वाले हैं वे कर्क राशि वाले भगवान को घी का भोग लगावें, होलिका माता को घी का भोग लगाने से जो भी उनके संकट है वो दूर हो जाएंगे। सिंह राशि वाले हैं वे मसूर की दाल हुई, केसर हुई, तांबे का सिक्का हुआ, वो होलिका माता को समर्पित करने से उनके जो भी राशियों के संकट होंगे वे दूर हो जाएंगे। कन्या राशि वाले हैं वे भगवान को जो गेहूँ की फली होती है, हरे जो चने के दाने होते हैं, उनका भोग लगाने से उनके जो भी संकट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। तुला राशि वाले भगवान को सफ़ेद बर्फी का, खीर का, चावल की खीर हुई, साबुत दाने की खीर हुई, वो अर्पण करने से उनके संकट दूर होते हैं। वृश्चिक राशि वाले हैं वे भगवान को चंदन, लाल चंदन, होलिका माता को लाल चंदन की गांठ, उसमें हल्दी की गांठ, ये दान करने से उनको सब विघ्न दूर होती है। धनु राशि वाले होते हैं उनको चने की दाल, गुड़, कोई पीली वस्तु, बेसन के लड्डू, वो भगवान होलिका को माता को भोग लगाने से उनके संकट दूर होते हैं। मकर राशि वाले हैं वे उड़द की दाल, उड़द साबुत, उड़द के मिष्ठान, तिल, गुड़, उनका भोग लगाने से उनके संकट जो भी होते हैं वे दूर होते हैं। कुंभ राशि वालों को उनको कड़वे तेल का भोग लगाना चाहिए, काले तिल का भोग लगाना चाहिए। और मीन राशि वालों को भगवान को बेसन से निमित्त भोग लगा के हल्दी की गांठ, कुकड़ी का भोग लगाने से उनके संकट दूर होते हैं। इस तरह द्वादश राशि वालों को इन समय में अपने इन उपायों को करने से उनके संकट दूर होते हैं। और उसके पश्चात किसी का कोई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई शत्रु है, तो उस शत्रु का नाम लिख के, उस मुकदमे का नाम लिख के और 7 बार होलिका माता की परिक्रमा लगा के और 7 पर्ची बना के वो होलिका में दान डालने से, सुहा करने से उस कार्य को विजय प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। पीली सरसों को वारने से शत्रुओं का नाश होता है, काली मिर्ची वारने से शत्रुओं का नाश होता है, लौंग को वारने से जो भी अल्ला बला होती है, पीड़ा होती है, वह सब दूर होती है। इस तरह होलिका माता को पूजन करने से और इन द्रव्यों का दान करने से उनके संकटों को दूर होकर और उनकी मंगल मनोकामना कार्य सिद्धि शीघ्र होलिका माता इस मंगल पर्व के द्वारा पूर्ण करती है।
पंडित तरुण कुमार शर्मा, ज्योतिष आचार्य, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, केसरगंज।